सब्सक्राइब कीजिए इंडियन ब्यूटी बिट्स चैनल को और सामने जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिंपल्स आजकल हर किसी को हो जाते हैं। टीनएजर्स के लिए तो पिंपल्स बहुत ही एक सीवियर प्रॉब्लम हो चुकी है। जब हम टीनएज में होते हैं तब हमारी पिंपल्स बहुत ज्यादा होती है। बिन बुलाए मेहमान की तरह पिंपल हमारी स्किन में आ ही जाते हैं। चाहे आप कितनी भी अपनी स्किन केयर कर लीजिए, पिंपल तो आते ही है हर किसी को। मुझे भी पिंपल्स बहुत ज्यादा आते हैं, सो मैं कुछ रेमेडीज फॉलो करती हूँ मेरे पिंपल्स को ठीक करने के लिए और मुझे काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो इसीलिए उन्हीं रेमेडीज को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मैं एक ही रेमेडी शेयर नहीं करूंगी, मैं आज आपके साथ 3 रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके पास भी हो। सो इसीलिए मैं 3 रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ। इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे और जो भी आपके पास अवेलेबल है और जो आपकी स्किन को सूट करे आप उसी रेमेडी को फॉलो कीजिए। आपको तीनों रेमेडी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक को फॉलो कीजिए। तो आप जो भी रेमेडी चूज करते हैं उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई कीजिए और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। एंड वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में मैं देने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पिंपल्स को आने से प्रिवेंट करने के लिए, यानी पिंपल्स को आने के लिए। आप देख रहे हैं इंडियन ब्यूटी बेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, हमारे पिंपल को रिड्यूस करने के लिए हमारी फर्स्ट रेमेडी है होम रेमेडी। ओके, सो होम रेमेडी के लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप है जो आपको करना है। सो इसके लिए आपको थोड़ा सा सैंडलवुड पाउडर लेना है, यानी चंदन का पाउडर लेना है, और फिर चंदन पाउडर में आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड कीजिए। अगर आप एलोवेरा जेल ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह नीम यानी शहद भी यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे चंदन एंड एलोवेरा जेल को मिक्स कर रही हूँ। ये इसका एक फाइन पेस्ट बन जाने के बाद आपका जहाँ पे भी पिंपल्स है आप वहाँ पे इसे इस तरीके से अप्लाई कीजिए। चंदन पाउडर आपको मार्केट में किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में मिल जाएगा। आप इसे रात में सोने से पहले इसे अप्लाई कीजिए और फिर ओवरनाइट इसे छोड़ दीजिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप इसे वॉश कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा पिंपल्स नहीं है, बहुत ही एक दो पिंपल्स है, तो आपको ये एक दो दिन में ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पिंपल्स है तो आपको ये 4 to 5 डेज में रिजल्ट मिलेगा। सो हमारा नेक्स्ट रेमेडी कोई होम रेमेडी नहीं है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो या फिर आपको होम रेमेडीज करने की टाइम नहीं है तो आपके लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आप यूज़ कर सकते हैं ये क्लिड जेल या फिर क्लाइड जेल, आप जो भी प्रोनाउंस कीजिए, आई थिंक क्लिड जेल ही होगा। सो ये क्लिड जेल मैं यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ये। ये पिंपल्स को बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है और ये आपको किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगा इजीली। इसका प्राइस 80 रुपीस के अराउंड है, सो अफोर्डेबल भी है। आपके थोड़े पिंपल्स है या फिर थोड़े से मॉडरेट पिंपल्स है तो इसके लिए बेस्ट है ये। अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल है और मुझे इसका लिंक मिल जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको इसे थोड़ा सा अपने फिंगर टिप्स में लेना है, इतना आपको फिंगर टिप्स में लेना है। एक व्हाइट कलर का जेल है और आपके क्लीन फेस में आपको इसे अप्लाई करना है। यहाँ पे भी पिंपल्स है उस एरिया को आप क्लीन कर लीजिए फेस वॉश से या फिर वेट वाइप से और फिर आप इसे अप्लाई कीजिए ऐसे, ठीक है। और इसे आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए और नेक्स्ट डे आप इसे वॉश कर लीजिए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे दिन में 2 बार यूज कीजिए। जब भी आपको थोड़ा टाइम मिले तब आप इसे एक बार अप्लाई कीजिए और रात में सोने से पहले आप एक बार अप्लाई कीजिए। तो मुझे जब टाइम नहीं मिलता है रेमेडीज करने का तो मैं यही क्लिड जेल यूज करती हूँ। सो अगर आप चाहे तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस, हमारी नेक्स्ट होम रेमेडी है ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल। सो टी ट्री एसेंशियल ऑयल बहुत ही अच्छी होती है हमारी पिंपल्स के लिए, डैंड्रफ के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए टी ट्री एसेंशियल ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। सो ये टी ट्री ऑयल है एल्प्स गुडनेस ब्रांड का। मैंने इसे purple.com से ख़रीदा था। टी ट्री ऑयल को हम डायरेक्टली हमारी स्किन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल लिया है मेरे हाथों में और फिर हमें इसमें 1 ड्रॉप टी ट्री एसेंशियल ऑयल की ऐड करनी है कोकोनट ऑयल में। एक बात की आपको ध्यान रखनी है कि आपको 1 ड्रॉप ही टी ट्री एसेंशियल ऑयल की यूज़ करनी है, क्योंकि एसेंशियल ऑयल हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो कि मैंने 1 ड्रॉप इसमें ऐड किया है और फिर इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है
और मिक्स करने के बाद आपके जहाँ पे भी पिंपल्स हैं आप उसे वहाँ पे अप्लाई कीजिए और फिर इसे ओवरनाइट छोड़ दीजिए। 2 दिन के बाद आप देखोगे कि आपके पिंपल्स रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। रेमेडी भी बहुत अच्छी है पिंपल्स को रिड्यूस करने के लिए। सो गाइस, यही थे मेरे कुछ रेमेडीज पिंपल्स को रिड्यूस करने के लिए। मैं पर्सनली इन रेमेडीज को यूज करती हूँ, तीनों रेमेडीज को यूज नहीं करती हूँ। केवल जब मुझे होम रेमेडीज करने के टाइम हो तब मैं होम रेमेडीज फॉलो करती हूँ और जब मैं थोड़ी बहुत बिजी रहती हूँ तब मैं वो क्लिड जेल अप्लाई करती हूँ। सो आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे वो यूज कीजिए और आपके पिंपल के अकॉर्डिंग और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आप यूज कीजिए। और इन रेमेडीज के साथ साथ आपको कुछ और भी चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको ऑयली फूड्स कम खाना पड़ेगा, यानी आप खा सकते हो लेकिन बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कम, ठीक है। एंड फास्ट फूड थोड़ा कम खाइए और प्लस पानी पीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो भी फॉलो कर लीजिए, अगर आप पानी नहीं पीते हो तो कुछ भी आपकी स्किन में काम नहीं करेगा। सो वाटर इज द की, सो आपको पानी तो पीना ही होगा। और थर्ड है, आपको अपनी स्कैल्प को क्लीन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के लिए भी पिंपल्स हो सकते हैं, यानी आपके टाइनी बम्स यहाँ पे फॉरहेड में आ सकते हैं। तो आपको अपनी स्कैल्प को क्लीन रखना पड़ेगा। पिंपल्स के लिए आपको फेस वॉश में बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा, तो कुछ ऐसा फेस वॉश यूज करना होगा जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो। सो सैलिसिलिक एसिड हमारी पिंपल्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और साथ ही मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे फेस वॉश है एक्ने प्रोन स्किन के लिए या फिर पिंपल्स के लिए। सो अगर आप लड़के हो आप यूज कर सकते हैं गार्नियर मैन एक्नो फाइट फेस वॉश, एंड अगर आप लड़की हो तो आप यूज कर सकते हो क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश या फिर VLCC का नीम एंड तुलसी फेस वॉश भी आता है, आप उसे भी यूज कर सकते हो। मैं इन सारे फेस वॉशेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ फेसबुक इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं। और आपकी फैमिली में या अगर आपके कोई फ्रेंड्स की पिंपल्स है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।